राजस्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला। प्रदेश में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे, जयपुर में 11, धौलपुर से 4 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। कोटा से 3 लोगों की मौत हुई है। झालावाड़ में 1 शख्स की मौत हुई है। सबसे ज्यादा ये बड़ा आंकड़ा जयपुर से रहा, जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली का कहर यहां पर देखने को मिला। देर रात का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश पूरे राजस्थान की बात की जाए तो कुल 20 लोग ऐसे जिनकी मौत यहां पर हुई। दुखद यह हादसा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब ये पूरी जानकारी सामने आई तो फिर ये कहा कि जो परिवार है उन्हें सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लेकिन राजस्थान में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, समाजवादी पार्टी नेताओं के विवादित बोल भी देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या नीति के विरोध में समाजवादी पार्टी अल्लाह पैदा करता है, रूह कोई रोक नहीं सकता, ये कहा गया है। और कहा कि अल्लाह से टकराने वालों का बुरा अंजाम भी होगा। तो देखिए किस तरीके से विवादित बयान एक के बाद एक आ रहे हैं, जब से जनसंख्या नीति प्रदेश में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अल्लाह पैदा करता है, रूह कोई रोक नहीं सकता, ये बात कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी नेताओं के विवादित बोल देखे, लगातार इसी तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि वो जनसंख्या नियंत्रण कर सके, जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके। तो समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन के बिगड़े बोल। एसटी हसन ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान करते हुए कहा कि कितने बच्चे तय होंगे अल्लाह तय करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जनसंख्या नीति योगी सरकार का चुनावी हथकंडा करार दे दिया है। राम गोविंद चौधरी ने कहा है, लगातार देखिए चुनाव से ही जोड़कर इसे देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है। आबादी घटाने को वो नहीं तैयार, समाजवादियों को वोट बैंक से प्यार, अल्लाह के नाम पर आबादी जिहाद, समाजवादी आबादी बढ़ाएंगे, बर्बादी लाएंगे। यूपी में जनसंख्या नीति आई तो समाजवादी बौखला गए, ऊल जलूल बयानबाजी शुरू कर दी। बढ़ती आबादी की गंभीरता और संकट को समझना तो दूर, आबादी कम करने से ही इनकार कर दिया। बच्चे पैदा करने को अल्लाह के कानून से जोड़ दिया। अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पांच पांच हो जाएंगे। अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पांच पांच हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो बच्चा पैदा करने को कुरान और कानून इलाही से जोड़ दिया। कह दिया कि अल्लाह की पैदा की हुई रूह को कोई रोक नहीं सकता। जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की हैं वो दुनिया में आनी है हकीमत पर, उसको आप रोक नहीं सकते। वो कानून इलाही है, वो हमारे आपके सबके लिए, किसी कौम किसी बिरादरी का हो, भारत पैदा करने वाला सबका ही। अब इन जनाब को भी सुन लीजिए। ये मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन हैं। जनसंख्या कंट्रोल पर इनके विचार भी वर्क जैसे ही हैं। ये भी जनसंख्या कंट्रोल करने में विश्वास नहीं रखते। सांसद साहब मर्यादा भी भूल गए। ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, कितने को पैदा होना और कितने मरने। वैसे तो खैर जिस तरह की आपदाएं आ रही हैं, और अगर कुछ दिन पीएम का भी अपमान कर दिया, ऑटोमेटिकली जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के दो धुरंधरों के बयान आपने सुने, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता की भी बात सुन लीजिए। राम गोविंद चौधरी ने तो योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को इमरजेंसी से जोड़ दिया, बढ़ती आबादी के नुकसान को दरकिनार कर इसे चुनावी मुद्दा बता दिया। और नसबंदी के माध्यम से इतना कड़ा इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम बनाया कि इंदिरा गांधी पूरे देश से साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी पस्त हो गई है कानून व्यवस्था के मामले में, जिससे लोगों का फिर ध्यान इसके नाकामियों से भटके। बढ़ती आबादी से देश की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मजहबी जमात की आबादी घटेगी तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कम हो जाएगा।
इसी चिंता के चलते पार्टी आबादी घटाने की नीति का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकवादी, दिल्ली पुलिस भी आतंकवादियों से पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर, लखनऊ जाकर पूछताछ करेंगे स्पेशल सेल के अधिकारी। तो ये बड़ी खबर जी हिंदुस्तान ने लगातार आपको बताई थी, जो 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उनसे अब और भी ज्यादा पूछताछ की जाएगी। लखनऊ जाकर स्पेशल सेल के अधिकारी पूछताछ करेंगे, क्योंकि इनके कनेक्शन बताया जा रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी है। तो और कितने लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं, इस साजिश को तो नाकाम कर दिया गया है, लेकिन क्या और भी कोई ऐसी साजिश जो इसी तरह रची जा रही थी, उसका खुलासा होना भी बेहद जरूरी है। क्या मकसद था इन आतंकवादियों का, क्योंकि बताया जा रहा कि ये ट्रेनिंग भी लेकर आए थे अलकायदा से, ISIS से भी इनके कनेक्शन नजर आ रहे हैं। और अभी दिल्ली की स्पेशल पुलिस सेल भी देखिए अब लखनऊ पहुंचेगी, पूछताछ की जाएगी कौन कौन इनके साथ शामिल है। तो एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, लखनऊ को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया, अलकायदा के 2 आतंकवादी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मथुरा काशी को धमाकों से दहलाने का पूरा प्लान था, जिसे नाकाम कर दिया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस पर बम धमाकों की ये तैयारी कर रहे थे, आतंकियों के साथियों की तलाश में ATS की छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर बम धमाकों की तैयारी यहां पर कर रहे थे आतंकियों के साथियों की तलाश में, क्योंकि ये बहुत बड़ी गैंग हो सकती है, बहुत सारे और भी आतंकवादी इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, इसीलिए जो साथी इनके होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, इसकी कोशिश अब की जा रही है। और उसी तलाश में ATS की छापेमारी अलग अलग जगहों पर हो रही है। ये बड़ी खबर जी हिंदुस्तान आपको बता रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर देश को, उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश जिसे नाकाम कर दिया गया है। तो देखिए इनके साथियों की भी तलाश की जा रही है, ATS लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।